बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी सब लोग, क्या हाल अहवाल हैं? हम आ गए हैं लाइव, आ जाएं आप लोग भी जल्दी जल्दी से। बस वीडियो को शेयर कर दें, डबल टैप एंड शेयरिंग। चलें जी, हमने तो कर दिया है शेयर, अब आपकी बारी है, आप लोगों ने करना है। आज मैं दिखाऊंगी आपको ना कुछ स्टाइलिश से ईरानी चोकर्स, स्टाइलिश किस्म के ईरानी चोकर्स हैं। ईरानी जो ज्वेलरी होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। उनका ये होता है कि वो ब्लैक नहीं होती, ख़राब नहीं होती, उनका ब्लैक होने का चांस नहीं होता कोई भी ना, इनके वो इतनी अच्छी क्वालिटी की बनी होती हैं। नाउ लुक एट दिस वन। वालेकुम अस्सलाम आसमा, कैसी हैं आप, क्या हाल चाल हैं? ये लेनी, हम थोड़ा फोकस कर लें कैमरे को ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाए। ये लें जी, ये हैं ईरानी पेंडेंट सेट। चेक करो ज़रा, पेंडेंट है ये, लॉकेट टाइप ना। लुक एट दिस वन, इसकी बैक चेक कर लो। इसकी क्वालिटी ये है कि ये ना ब्लैक होगा ना ख़राब होगा। आपने टॉप पहना हुआ है, टॉप के ऊपर ये पहने, जैसे अब गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों में समर में इस तरह की चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं पहनी हुई। कमाल की लुक आती है ये। लॉकेट आपको मिल जाएगा जस्ट इन 10 पाउंड में। आप इसकी क्वालिटी चेक कर लो, इसकी चेन देख लो, बैक से देख लो, एडजस्टेबल है। और ये देखो, ये इसके हार्ट के ऊपर ना ये स्टैम्प्ड होती है प्रॉपरली, चेक करो। ब्लैक नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में है, बहुत ज़बरदस्त है, जस्ट इन 10 पाउंड में। ख़ुद भी पहन सकते हैं, अगर बच्चियाँ हैं, बच्चियों को पहनाना है, बच्चियों को भी पहना सकते हैं, ठीक है ना। ये लेनी डेली वेयर की एक और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ दिखाने लगी हूँ। ये डेली वेयर में पहन सकते हैं आप लॉकेट, मैंने ये लॉकेट बहुत ज़्यादा सेल किए हैं। लॉन्ग चेन में है और ये हैं जी ना काले होने वाले, ये ब्लैक नहीं होते और इनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। लुक एट दिस वन, ये ब्लैक नहीं होते हैं। इसकी लॉन्ग चेन है, माला टाइप में है, ये देखें, ये समर के लिए बेस्ट चीज़ें हैं समर में पहनने के लिए। और ऊपर ना एडजस्टेबल होती हैं कि आप प्रॉपरली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये एडजस्टेबल होती हैं, चेक कर लें आप। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, बहुत नाइस, ये आपको मिल रही है जस्ट इन 8 पाउंड में, ओनली इन 8 पाउंड। टू डेज लाइफ प्राइस, आपको 8 पाउंड में ये मिल रही है।
बस डबल टैप करना स्टार्ट कर दें डियर, डबल टैप करेंगे तो ही मज़ा आएगा, तभी व्यूवर्स आएंगे और तभी लाइव करने का भी प्रॉपरली मज़ा आता है। नाउ लुक एट दिस वन, ये अप डाउन वाला डबल में चेन है, अप डाउन वाला डबल में लॉकेट है। लुक एट दिस वन लाइक दिस, ये चेक कर लें इस तरह से। आप इसको अप डाउन करके छोटा बड़ा कर सकती हैं, बहुत खूबसूरत सी है ये वाली चेन्स। इस तरह से शैम्पेन स्टोन के साथ और विक्टोरियन पॉलिश के साथ है, विक्टोरियन पॉलिश है, साथ में शैम्पेन स्टोन लगा हुआ है, साथ में ये गोल्ड का स्टोन लगा हुआ है। चेक कर लो ज़रा, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा सा और बहुत कमाल का। चेक कर लें, यह आपको आज 5 पाउंड में मिल रहा है। यू कैन ग्रैब दिस वन इन 5 पाउंड, ओनली ओनली इन 5 पाउंड दिस वन। ये चेन है, डबल चेन बनी हुई है, स्टाइलिश है, और इसके ऊपर भी ये देखें एडजस्टेबल चेन्स लगी हुई हैं। आप इसे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से पहन सकते हैं, लॉन्ग भी करके पहन सकते हैं, शॉर्ट भी करके पहन सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की हैं ये, जस्ट इन 5 पाउंड। ये आपको मेरे पास मिलेंगी, 2 से 3 पीस मिल जाएंगे, 2 से 3 पीस मिल जाएंगे ये वाले। ये ले ली, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ये लो, ये भी बहुत मज़े का और कमाल का सेट है, ईरानी है, गोल्ड प्लेटेड है, और इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये ब्लैक नहीं होते, ख़राब नहीं होते, ये नेकलेस टाइप है लाइक दिस, चेक करो ज़रा, नेकलेस टाइप है ये। एंड दिस वन इज़ द एयरिंग, दिस इज़ द एयरिंग। ये ले आप ज़रा इसके ना चेक कर लो स्टोन्स की क्वालिटी, ये चीज़ चेक कर लो लाइक दिस। इसके साथ ये ऊपर तक इस तरह से बारीक में डबल चेन्स लगी हुई है, बैक पर एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसको लॉन्ग शॉर्ट दोनों कर सकते हैं लाइक दिस। एंड दिस वन इज़ द एयरिंग, बैक चेक करो, प्योर ईरानी गोल्ड प्लेटेड, बहुत कमाल का, जस्ट इन 12 पाउंड में आपको मिल जाएगा, ओनली ओनली इन 12 पाउंड। इसका बैक चेक करो ज़रा लाइक दिस, ये वो चीज़ है जो कि ब्लैक नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, इनकी गारंटी होती है, इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, ना ख़त्म होने वाली ना ख़राब होने वाली। दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड क्वालिटी, ओनली ओनली इन 12 पाउंड। ये मेरे पास ना कुछ ऐसी कह लो ना कि एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ जो कि अब दोबारा तो आई भी नहीं है, और ये हैं भी बहुत मज़े की। ये लो जी, ये है मेरे पास सीप वाला, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े का आर्टिकल। इसमें सीप लगे हुए हैं, सीप जैसे होते हैं ना वो मोती जिसमें से निकलता है, ये वो चीज़ है, और इसको उस लुक में बनाया गया है सिल्वर में। नाउ आई विल शो यू वन थिंग जस्ट फॉर अ वाइल, 3 लेयर के साथ, लुक एट दिस वन, दिस इज इन 3 लेयर, और ये इस तरह से है, सीप बना हुआ है और सीप के अंदर मोती है, ओरिजिनल पर्ल्स हैं लाइक दिस। ये ऊपर से ओपन होता है, 3 लेयर में है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा। और इसके बैक पर ये चेक करो ज़रा, यहाँ पर भी आपको एडजस्टेबल ये चेन्स नज़र आ रही हैं, आप अपनी नेक के अकॉर्डिंगली इसे शॉर्ट एंड स्मॉल लॉन्ग करके पहन सकते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज द प्रीटीएस्ट एयरिंग्स, ये चेक करो ज़रा, प्रीटीएस्ट एयरिंग्स इस तरह से, बहुत खूबसूरत सिल्वर क्वालिटी में, और ये भी ब्लैक नहीं होता, इसको भी आप जैसे मर्जी पहने, ये भी ब्लैक नहीं होता, ये आपको मिलेगा जस्ट इन 12 पाउंड में। इसकी प्राइस है 15 पाउंड, बट आपको मिलेगा 12 पाउंड, ओनली ओनली 12 पाउंड। यू कैन ग्रैब दिस वन,
बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। ये समर के लिए बहुत बेस्ट चीज़ें हैं। 3 लेयर में है ये वाला भी, आपको 3 लेयर में मिलेगा ये, बहुत प्यारा सा, जस्ट इन 12 पाउंड में, ओनली इन 12 पाउंड है। ये 15 पाउंड का, लेकिन मैं आपको आज 12 पाउंड का दे रही हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल ये उठाऊँ यहाँ से सामने से, ताकि ये बस पहले मेरे पास इतना ज़्यादा इनका स्टॉक आया था ना, कि बहुत सारी क्वांटिटी भी थी और इनके साथ कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ साथ फटाफट ही सेल आउट होता रहा। चलें जी, मैं ना करती हूँ आज एक बॉक्स ओपन करने लगी हूँ किसी का, जो कि बहुत टाइम से मेरे पास था बुक्ड, और अब जी वो जा रहा है ओपन होने। ये नहीं जी, अभी नहीं मेरा दिल कर रहा है इसको ओपन करने के लिए ना, अभी मैंने छोड़ दिया उसको, मेरा दिमाग घूम गया उसको देखने के बाद, इसलिए मैं अभी उसको नहीं छेड़ रही हूँ। हम अपने नए आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वही बेटर है। हम चलते हैं नवरत्न की तरफ, नवरत्न जो कि सबको बड़ा पसंद है, लेकिन डबल टैप बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ना शेयरिंग हो रही है, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा काम करने में। क्या ख्याल है लड़कियों, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा काम करने में। ये लें जी, बहुत खूबसूरत सा, बहुत कमाल का नवरत्न का ओपनेबल कंगन है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त सा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सोनिया आप, क्या हाल चाल हैं। लुक एट दिस वन, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत प्यारा है। नहीं हुआ कुछ नहीं है, मैं कह रही थी ना डबल टैप हो रहा है ना शेयरिंग हो रही है, तो मज़ा नहीं आ रहा काम करने का। तो जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे काम करूँगी। सर घूम गया तो मेरा। चलें जी, मैं वो एक्चुअली
साथ साथ मैसेज का रिप्लाई भी कर रही थी। आप आ गई हैं फिर तो होना ही होना है, लेकिन बाकी लोगों का नहीं होता ना। प्रॉब्लम ये है। ये ले ली, ये रहा 15 पाउंड वाला आपका कंगन, बहुत खूबसूरत सा। एक ही बचा हुआ है, अब ख़त्म हो गए हुए हैं ये वाले ना, अब ये नहीं है और ख़त्म हो गए हुए हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ये लें जी, पर्पल में दिखाने लगी हूँ, बहुत कमाल का पेंडेंट सेट है ये, पर्पल कलर में अमेजिंग पीस है, बहुत खूबसूरत सा, विद मांग टीका, विद पर्ल की माला। ये लें, आज बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलेगा ये वाला। लुक आर दिस वन, इसका ज़रा स्टोन का कलर चेक करें, पीछे से कलर चेंजिंग है, बैक इसकी इस तरह से है, मिरर में लगा हुआ है ये वाला, मिरर के साथ, और पर्ल भी बहुत खूबसूरत सा पर्ल है, पर्ल के साथ मल्टी है। ये इसकी, इसका पेंडेंट है, ये इसका मांग टीका है, और ये इस तरह से लॉन्ग माला के साथ है क्रिस्टल की। आप इसका क्रिस्टल की माला का कलर भी ज़रा चेक कर लें कि कलर कितना अमेजिंग और कितना ज़बरदस्त है इसका कलर, यह आप चेक कर लें एंड यू विल सी द क्वालिटी ऑफ दिस वन। नवरत्न का है, आज आपको ये फुल सेट मिल रहा है जस्ट इन 18 पाउंड। वालेकुम अस्सलाम मेहरू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं। ये चेक कर लें, बहुत ज़बरदस्त पीस है ये, बहुत ज़बरदस्त, पर्पल के साथ है, पर्पल भी ना प्लम सा अजीब सा और मज़े का कलर है ये वाला, बहुत कमाल का। लुक आर दिस वन, ये आपको मिलेगा जस्ट इन 18 पाउंड में, विद मांग टीका, विद मांग टीका। ये चेक करें जी, नौ रतन के ये भी मल्टी में एयरिंग्स हैं, और ये भी मल्टी, बहुत प्यारा सा मल्टी है, रेड ग्रीन के साथ, बहुत खूबसूरत से कलर कॉम्बिनेशन के साथ है ये वाले, और बैक इनकी है, ये देखें क्लिप लॉक वाली। लुक आर दिस वन, ये हैं इसके एयरिंग्स, और बैक है इसकी ये क्लिप लॉक। नाउ चेक आउट द क्वालिटी, नौ रतन ओरिजिनल गोल्ड प्लेटेड ऑक्सीडाइज्ड, साथ में नौ रतन है और गोल्ड प्लेटेड है। ये आपको मिलेंगे जस्ट इन 10 पाउंड में, ओनली ओनली इन 10 पाउंड, द प्राइस ऑफ दीज ओनली ओनली इन 10 पाउंड, चेक कर लें ओनली इन 10 पाउंड में। ज़बरदस्त से और मज़े के एयरिंग्स हैं, वो भी नौ रतन में, ओनली 10 पाउंड। नौ रतन ना काफ़ी दिनों से दिखा नहीं हुआ था बिल्कुल भी, बहुत सारी बैंगल्स हैं, नॉट द एनी, बहुत बैंगल्स हैं। एनी नहीं होती है मेरे पास, हर चीज़ ना बल्क में ही होती है, और वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो ये मैंने सामने रखा है आपके कंगन, ओपनेबल 2.6 ओपनेबल है ये वाला, दिस इज 2.6 ओपनेबल नवरत्न में। ये लें जी, ये चेक करो ज़रा, दिस वन नौ रतन की माला, ये इवन के आप अपने हैदराबादी गोल्ड प्लेटेड है ये वाली, इसकी ये वाली पट्टी चेक कर लो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में बनी हुई है लाइक दिस, चेक कर लें। ये आज आपको मिल रही है जस्ट इन 15 पाउंड विद द पर्ल माला एज वेल, 15 पाउंड विद द पर्ल माला कंपल्सरी। लुक आर दिस वन, बैक से इसकी वेयरिंग ये है, ओनली ओनली इन 15 पाउंड, ओनली ओनली इन 15 पाउंड, और ये मेरा ख्याल है कि मेरे पास लास्ट वन पीस ही है। यस, फिनिश है ये वाला,
ये मेरे पास लास्ट वन आर्टिकल ही है, ये जिसको भी चाहिए 15 pound में मिल जाएगा। आखिरी आर्टिकल है ये मेरे पास, सब ख़त्म है इसमें, लास्ट वन आर्टिकल है जो कि आपको 15 pound में मिल जाएगा, ओनली इन 15 pound दिस वन। ये इतना प्यारा आर्टिकल है, इसका पैंडेंट इतना खूबसूरत है कि इवन क्या आप अपनी मदर्स को, मदर्स इन लॉ को, ओहो मैंने तो आज आप लोगों को बताना था, आज तो मदर्स डे है ना, हाँ तो काफ़ी जगह सेलिब्रेशन हो रही है मदर्स डे की, तो ये याद आ गया अपनी मदर के लिए या मदर इन लॉ के लिए भी आप ये ले सकते हैं, जो कि एज अ गिफ्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी चीज़ है। दिस इज़ अ गिफ्ट एंड गिफ्ट इज़ रियली रियली वेरी प्रिटी, क्योंकि ये एक डेलिकेट और बहुत ज़बरदस्त लगता है पहना हुआ उनके लिए भी। ये मेरे पास जितने भी इसमें सेट थे ना, वो मोस्टली लोगों ने ना इसी तरह लिए कि हमने अपनी मदर को गिफ्ट करना है, मदर इन लॉ को गिफ्ट करना है। कुछ लोग गए थे इंडिया पाकिस्तान, वो लोग लेकर गए थे उनके लिए, कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लेकर जाते हैं, तो आज हम ये इस दफ़ा ये लेकर जाएंगे। ये आपको मिल रहा है 15 pound का, ओनली 15 pound का, और ये मेरे पास एक ही पीस है, अब लास्ट वन पीस है, किसी एक को मिलेगा क्योंकि अब इसका स्टॉक फिनिश हो चुका हुआ है, लास्ट वन पीस है ये मेरे पास 15 pound में। ये जिसको भी चाहिए 15 pound में ग्रैब कर सकता है, नौरतन का हैदराबादी, बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत मज़े का आर्टिकल है ये। ओह माशाल्लाह इतनी अच्छा मिल भी गया, वाह जी वाह, वाह जी वाह, चलें ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये चेक कर लें, एयररिंग्स बिग साइज में है। विच वन? दिस वन, ये वाला आपको चाहिए, आपका कोई नाम नहीं आ रहा, सिर्फ एक डॉट बना हुआ है। वाह सही 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 ये लें जी, ओके यू कैन कम एंड यू कैन क्लेम इट, नो प्रॉब्लम, जिसकी पेमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह उसको मिल जाएगा ये वाला। ये लें जी, ये बहुत खूबसूरत हैं और ओरिजिनल हैं ये वाले, 110% ओरिजिनल। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, बस दुआएं हैं आप लोगों की। ये मेरे पास ये भी लास्ट वन पीस है, इस तरह के जितने भी इयरिंग्स थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, जितने भी कलर्स में आए थे, और अब ये मेरे पास लास्ट वन एक पीस रह गया हुआ है, ये आज आपको मिल जाएगा जस्ट इन 15 pound में। इसकी प्राइस आज आपको 15 pound मिल जाएगी, बिकॉज ये मेरे पास सब स्टॉक फिनिश है, तो अब मेरे पास और कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। ब्लू के साथ ये मल्टी है, बहुत खूबसूरत से एयरिंग्स हैं, नौ रतन के ओरिजिनल, 110% ओरिजिनल हैं ये। इसका आप कुछ भी कहीं से भी चेक कर सकती हैं, एक होती है ना कॉपी भी आती है नौ रतन की, दिस इज़ नॉट द कॉपी वन, दिस इज़ ओरिजिनल 110%। ये मेरे बहुत ज़्यादा जी आपके पास है, इसका ये हिट आर्टिकल रहा है, बहुत ज़्यादा सेल आउट हुआ है। अब ये एक एक पीस ही है बस, ये लास्ट वन है एयरिंग्स में ना, ये वाले मेरे बिग साइज़ के जो लोग अक्सर मेरे से मांग रहे होते हैं ये, उनके लिए बिग साइज़ में ये वाली दो तीन ऑप्शंस हैं, और दो तीन ही बहुत ज़बरदस्त हैं। इवन के बैक चेक कर लें लाइक दिस, ये वाले लुक एट दिस वन, क्लिप लॉक के साथ ऐसे हम चांद वाली कह देते हैं, ये भी आज आपको मिल जाएंगे जस्ट इन 18 pound के, 22 के सेल हुए हैं आज, 18 pound के मिल जाएंगे आपको ये वाले, लास्ट वन है ये भी मेरे पास। और मेरे पास एयरिंग्स में बस अब यही इनकी नौरतन की क्वालिटी रह गई हुई है, बाकी जो है ना इसका स्टॉक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका हुआ है। ये चेक कर लें, बिग साइज़ के एयरिंग्स हैं, यानी कि सम टाइम होता है ना आपने सिर्फ और सिर्फ एयरिंग्स ही पहने और साथ में आप गोल्ड की सिंपल चेन पहन लें फंक्शन पर या वैसे भी कैजुअली भी, तो बहुत अच्छी लुक आती है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त भारे भरकम ही आपने कुछ पहनना होता है ईद पर, बड़ी ईद पर। जस्ट इन 18 pound में आपको ये मिल रहे हैं, एक ये है मेरे पास और एक ये पीस है, ठीक है। ये वाला आपको 15 में मिल जाएगा और ये वाला आपको 18 में मिल जाएगा, आज आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। ये जिसको भी चाहिए ये बुक कर सकता है, ठीक है। ये आपको 18 में मिलेगा और जो दूसरा है वो 15 में मिलेगा। एक और है,
ये लो जी, मुझे लगता है मैंने ये पैक करके रख दिया और उसका एक इयरिंग बाहर पड़ा हुआ है। और एक मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है, ये आपको 10 pound में मिल जाएगा। 3 इयरिंग्स पड़े हुए हैं बिग साइज के, 3 इयरिंग्स बिग साइज में पड़े हुए हैं मेरे पास, बाकी सारे के सारे ख़त्म है इसमें, बस और नहीं है। और एक ये चीज़ है जो कि मेरा हमेशा का, यानी कि कहते नहीं होते एक फॉर एवर पहनने वाली चीज़ है, ये वो चीज़ है फॉर एवर पहनने वाली, जिसको हम कहते हैं कि नवरत्न, नवरत्न की जान है ये चीज़। दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ नवरत्न, चेक कर लो। इस तरह से इसके एयरिंग्स हैं और ये इसका मांग टीका है रेड स्टोन के साथ। लुक एट द बैक, ये इसकी है क्लिप लॉक ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ओरिजिनल एंड 100% नवरत्न है ये, कॉपी नहीं है। इसमें कॉपीज आती हैं जो कि बहुत भद्दी लगती हैं, उनके स्टोन्स की शाइन आपको दूर से ही बता देती है कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा जस्ट इन 15 pound में पूरा सेट, जिसको हम मांग टिक्का सेट कहते हैं। इसको अगर आप चाहें तो इसको आप वो बना सकते हैं, पेंडेंट भी बना सकते हैं। मैं रू देखूंगी अगर मैं शो कर सकी हुई, क्योंकि चेन शो करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ना मैं एक दफ़ा ना उनकी वीडियो बना लूं, क्योंकि वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन अब मैं ट्राई कर रही हूं कि एक एक चेन की वीडियो बना लूं। लेकिन आज भी मुझसे ना वो बॉक्स सॉर्ट आउट नहीं हो सका, क्योंकि उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। जी जी बिल्कुल, ये ले जी, लुक एट दिस वन, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारा है। 15 pound में ये आपको मिल जाएगा। दिस वन यू कैन ग्रैब इट इन 15 pound, ठीक है। मज़े का है, ज़बरदस्त किस्म का नवरत्न का दिखाया ये मैंने। ये वाला हिट आर्टिकल है, हमेशा चलने वाला आर्टिकल है। ये वो चीज़ है जो कि कभी भी पुरानी नहीं होती, कभी भी पुरानी नहीं होती, हमेशा ही चलती रहती है। और ये रहा इसका नवरत्न का एक अदर चोकर सेट, लुक एट दिस वन, दिस इज़ द चोकर सेट विद पर्ल्स। और इसका मल्टी शेड चेक करो ज़रा, इसका मल्टी कैसा है, लुक एट द मल्टी ऑफ दिस वन, ये मल्टी का कैसा शेड है, ये आप चेक कर लें ज़रा। और इसके साथ आपको मिलेंगे ये वाले एयरिंग्स, दीज आर द एयरिंग्स। और आज आपको ये भी 15 pound में मिलेगा। दिस वन ऑल्सो यू कैन ग्रैब इट इन 15 pound, चांद वाली स्टाइल में है, हैदराबादी के साथ नवरत्न, और वो भी मल्टी में। पल्स की क्वालिटी चेक कर लें, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। 15 pound में आपको ये भी मिल जाएगा। इनकी ना वीडियोस नहीं बनी हुई प्रॉपरली, जो कि मुझसे बनाई नहीं जाती हैं, टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने का, यार क्या करूं। कोशिश पूरी होती है कि चलें वीडियोस बना के लगा दूं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बार बार नहीं दिखाई जाती, अक्सर लोग फिर वीडियो में देखकर तो ही उसको ले लेते हैं। ये भी एक होता है कि चलें वीडियो में देख ली है और ले ली है। वालेकुम अस्सलाम बबल गम, कैसी हैं, क्या हाल चाल हैं आपके। ये ले ली, ये चेक करो ज़रा, हैवी वन, ये इसके एयरिंग्स हैं, ये इसका मांग टीका है, सेम उसी तरह की डिटेलिंग में देखें। और इसके साथ आपको मिलेगी माला, लुक एट द माला, ये ज़रा माला चेक करो आप,
ये देखें, इसके साथ अभी डोरी भी अटैच नहीं की हुई, मैं डोरी बाद में अटैच करूँगी। दिस इज़ द हैवी माला एयरिंग विद टीका, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। ये आपको मिलेगी जस्ट इन 28 पाउंड में टुडे, 28 पाउंड में आज ये आपको मिल रही है दिस वन। और ये है इसके साथ एयरिंग्स, वालेकुम अस्सलाम, 28 पाउंड में। कुछ ऑरेंज एंड ग्रीन है, कुछ ऑरेंज क्या क्या मतलब डेयर, ऑरेंज एंड ग्रीन में कोई माला चाहिए, कोई चोकर सेट चाहिए, क्या चाहिए आपको? ऑरेंज में बहुत यानी कि कम होगी, ग्रीन में मेरे पास एक दो माला ज़रूर पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाली माला आपको मिल रही है इस वाले मांग टीका के साथ 28 पाउंड की। इसी स्टाइल में मेरे पास एक और माला भी है जिसका मांग टीका काफ़ी बड़े साइज़ का है, जो लोग मांग टीका लवर हैं उनके लिए एक वो भी मेरे पास ऑप्शन है, वो आपको मिलेगी 35 पाउंड की। ठीक है, उसका जो मांग टीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, काफ़ी हैवी लुक के साथ है वो वाला। एयरिंग, टीका और झूमर, एयरिंग टीका सेट दिखाती हूँ आपको, उसमें देख लो मेरा नहीं ख्याल ग्रीन में देखना पड़ेगा डियर, देखना पड़ेगा मुझे। ज़्यादातर ना आते हैं मल्टी में, ये जो ऑरेंज कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया ना, ये वाले ज़रा कलर बहुत कम यूज़ में आते हैं, स्पेसिफिकली होते हैं, इसलिए इनके साथ इनसे बेहतर है बंदा और वो ले ले, मल्टी में ले ले, वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। मल्टी आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। नहीं डियर, ऑरेंज और ग्रीन में मेरे पास नहीं है इस तरह से, मल्टी में ही होगा, जो भी होगा मल्टी में होगा, मल्टी के साथ ही आपको मिल जाएंगे मोती शोती, लेकिन ग्रीन में नहीं है। बाकी और दो डिफरेंट कलर्स हैं मेरे पास, लेकिन ग्रीन में नहीं है। नो, नहीं, ग्रीन में कोई भी नहीं है, मल्टी में ही होंगे। मल्टी, पर्ल, पर्ल में ले लें, मल्टी में ले लें, इस तरह की चीज़ें ले लें। मल्टी में तो बहुत ऑप्शन मिल जाएगी आपको, मल्टी में तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। बिग साइज़ में अगर आपको चाहिए एयरिंग टीका तो ये लें, ये चेक कर लें ज़रा, लुक एट दिस वन, ओरिजिनल है 110%। इसकी लुक चेक कर लो, बैक चेक कर लो, गोल्ड प्लेटेड है, ये इसका मांग टीका है और मांग टीके के साथ अच्छी खासी लॉन्ग चेन है। ये तो चीज़ें मैं यानी के ऑफ़र कर रही होती हूँ कि अगर कोई लोग अगर नहीं ये मांग टीका पहनना चाहते तो मैं उनको लॉकेट भी बना देती हूँ। ये इसके एयरिंग्स हैं और वो भी बिग साइज़ में, लुक एट दिस वन, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा पीस है ये वाला, कमाल का और नाइस पीस है, लुक एट दिस, ये चेक कर लें। ये आपको मिलेगा जस्ट इन 22 पाउंड में, बिग साइज़ के एयरिंग्स हैं और लेकिन इतने हैवी नहीं हैं। ठीक है, इतने हैवी नहीं हैं, बहुत लाइट वेट हैं, अच्छी यानी कि उसके वेट में है। ये आपको मिल जाएगा, लुक एट दिस वन, ये चेक करें, चांद वाली स्टाइल में है, ये भी कुंदन का है पर्ल में, ये मांग टीका है इसका और ये वाले इसके एयरिंग्स हैं, लाइक दिस, ये मिल जाएंगे आपको। ये ओरिजिनल है, गोल्ड प्लेटेड है और ओरिजिनल कुंदन के हैं। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको पर्ल्स के साथ,
शीशा में मिल जाएंगे आपको, शीशा वाले भी होते हैं मेरे पास लाइक दिस। ये लो, ये मिल जाएंगे आपको पर्ल में, जो मांग रहा है उसको पर्ल में ये मिल जाएगा, पर्ल विद गोल्डन। ये इसका मांग टीका है और ये इसके एयरिंग्स हैं और बैक वेयरिंग इसकी ऐसे है। इवन के अगर आप इसको चाहें तो इसका ये ऊपर से ये चीज़ उतरवा कर यहाँ इसमें आप चेन डलवाएं और चेन माला डलवाएं, आराम से इसको पेंडेंट बना लें और ये पेंडेंट पहनावा भी बहुत अच्छा लगेगा। वो भी मैं बना के दे देती हूँ, जिन लोगों को चाहिए होता है उनको मैं पेंडेंट भी बना देती हूँ। इसमें मेरा ख्याल है कि एक कलर और होगा, होना चाहिए इसमें एक और डिज़ाइन। हाँ ये रहे, इसके साथ आपको ब्लैक मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर आपको मिलेगा इसमें, एक मिनट, इसमें और कौन सा कलर है इस वाले में, वेट करें मैं देखूँ ज़रा इसमें और कौन कौन से कलर है। इसमें मल्टी मिल जाएगा, इसमें नहीं है मेरे ख्याल, इसका कलर ख़त्म हो गया हुआ, ये लास्ट वन है, ये मल्टी डिफरेंट लग रहा है मुझे। एक मिनट रुको, मैं ज़रा ओपन करूँ इसको कि ये क्या चीज़ है। हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है लाइक दिस के लिए ये चीज़, ये मिल जाएगा आपको और ये इसके साथ ये इयररिंग्स है लाइक दिस, इस तरह से ये आपको मिलेगा जस्ट इन 15 pound का, ओनली 15 pound एयरिंग विद मांग टीका। एक ये डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, दिस वन थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला एयरिंग विद मांग टीका। इसमें आपको कलर मिल जाएंगे, एक ये मेरे पास मल्टी में है, नौरतन हैदराबादी में, ये भी बहुत प्यारा है, ये दिखा देती हूँ। फिर एक ये स्टाइल भी मिल जाएगा आपको मल्टी में ना, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक सा स्टाइल है, ये वाला भी दिखाती हूँ। एक ये स्टाइल जो मैंने अभी आपको दिखा दिया ये हो गया। फिर ये राउंड शेप में है, एक ये चेक कर लें जी, एंकलेट्स भी होती हैं मेरे पास, बिल्कुल होती हैं एंकलेट्स भी, ये लें, ये है इस तरह से राउंड शेप में और इसके मांग टीका का ये इस तरह से स्टाइल ऊपर तक जा रहा है, लुक लाइक दिस, ये इस तरह से इसके नीचे स्टोन्स लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत से लाइक दिस। ये मांग टीका है इसका राउंड में, एंड दिस वन इज़ द एयरिंग, ये इसका एयरिंग है, ये चेक कर लो, ये आपको मिल जाएगा 15 pound में। इसमें आपको ये वाला भी मिल जाएगा कलर शैम्पेन, सेम यही डिटेलिंग है, यही सब कुछ होगा, इसमें आपको शैम्पेन कलर भी मिल जाएगा, अवेलेबल इन शैम्पेन फुल गोल्डन, ठीक है। हैदराबादी में आपको ये वाला मिलेगा पीस मज़े का, चेक करें ज़रा, लुक एट दिस वन, ये मांग टीका है इसका, दिस वन इज़ द मांग टीका एंड दिस वन इज़ द स्टड्स, एयरिंग स्टड्स चेक करो ज़रा कितने खूबसूरत स्टाइल में है, बिल्कुल लाइट वेटेड, बैक इनकी क्लिप लॉक है, लुक एट दिस वन, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा मोनालिसा स्टोन के साथ है ये, ज़बरदस्त किस्म का। ये भी आपको मिलेगा 15 pound का, इसके और कलर भी थे लेकिन वो सब सोल्ड आउट हैं, ये आखिरी कलर मेरे पास एक रहता है इसका, इसके बाकी कलर जो है ना वो सोल्ड आउट है। एक और है मेरे पास, वो भी बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल है, ये वाला स्टाइल तो शायद आपने कहीं देखा ना ही हो, इतना तो मुझे है कि शायद ही आपने कहीं देखा हो, ये चेक करो ज़रा मल्टी में, लुक एट दिस वन, बहुत मज़े का है ये, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था क्योंकि इस तरह के डिज़ाइन, क्योंकि मैं तो काम करती हूँ ना, मैंने इस तरह का डिज़ाइनिंग पहले नहीं देखी थी, लुक एट दिस वन। ये जो ऑरेंज मांग रहा था इसमें ऑरेंज ब्लू और ये
सारे इसमें आ रहे हैं शेड। और बैग इसकी क्लिप लॉक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। ये आपको 15 पाउंड का मिल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सा सेट है ये। हाँ ये बिंदिया चेंज हो सकती है पेंडेंट में, बिल्कुल हो सकती है लुक। हाँ इसके ऊपर हुक लगा कर तो पर्ल माला डाल लें इसके अंदर, नहीं लगाने बिंदिया ना लगाएं। मोस्टली मेरे जो टीका सेट है ना वो इस तरह से बिंदिया में जाते हैं, यानी कि वो बनवाते हैं लोग ना कि हमें आप वो बना दें, पेंडेंट बना दें। मैं पेंडेंट बना देती हूँ उनको, क्योंकि मैं तो खुद काम करती हूँ, इसलिए ये मुझे स्टाइल इतना कोई डिफरेंट लगा था ना, बहुत प्यारा लगा था। हेलो जी, मेरे पास इस तरह का स्टाइल पहले नहीं आया था, बहुत कम ही आते हैं इस तरह के स्टाइल। चेन कम्प्लीमेंट्री होगी, मींस मैं चेन डाल देती हूँ। हाँ मैं माला बना के दे देती हूँ, वो मैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती। आउच सॉरी, नहीं मैं उनके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती हूँ, वो मैं ऐसे ही दे देती हूँ बनाकर। ये लें ये स्टाइल, एक चेक करो ज़रा। ये इसमें सफ़ायर ब्लू मैंने ओपन किया है, ये है इसकी बिंदिया, चेक करो ज़रा सफ़ायर ब्लू, लुक एट दिस वन। इसको भी आप चाहें तो आराम से पेंडेंट बना सकते हैं, ऊपर से बिंदिया निकल जाएगी। ये वाली चीज़, ये वाली मैं निकाल दूंगी और यहाँ पर चेन, पर्ल की चेन डल जाएगी आराम से। ये ले, इसमें कलर्स अवेलेबल है मेरे पास ना, इसमें कलर्स पड़े हुए हैं, मैं कलर दिखाती हूँ आपको कि इसमें कौन से कलर हैं। इसमें मेरे पास ये वाइट पड़ा हुआ है, वाइट पड़ा हुआ है इसमें मेरे पास। फिर इसमें कौन सा है भाई वाइट के साथ, ये लें जी, इसमें आपको ये ब्लैक मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसमें ये पिंक कलर मिल जाएगा, बेबी पिंक कलर, पाउडर पिंक कलर है, बड़ा लाइट सा कलर है ये वाला। और फिर आपको इसमें मिल जाएगा ये मल्टी कलर, ये लें। ये सारे एक ही डिज़ाइन हैं और इसके ये कलर्स हैं, जो भी मैंने ओपन किया था ना ये उसके डिज़ाइन हैं। उसमें आपको ये मल्टी मिल रहा है, उसमें आपको ये बेबी पिंक मिल रहा है, लाइट सा कलर है। फिर आपको इसमें ब्लैक कलर मिल रहा है, ब्लैक विद पर्ल 15 पाउंड। देन आपको ये सफ़ायर ब्लू मिल रहा है, देन आपको ये वाइट मिल रहा है, ओनली ओनली इन 15 पाउंड। मांग टीका है और मांग टीका भी अच्छा खासा मज़े का है, क्योंकि उसके ना बैक के ये जो मांग टीके के ऊपर जो स्टाइल बना हुआ है ना, लंबी सारी जो पट्टी बनी हुई है वो बहुत प्यारी लग रही है। और आपको मिल रहा है ये जस्ट इन 15 पाउंड में। ये नहीं, अगर कोई मैरून वाइट में लेना चाहता है तो उसको मैरून वाइट में भी मिल जाएगा। ये ले, दिस इज़ इन मैरून एंड वाइट, लुक एट दिस वन। मैरून वाइट में ये चेक कर लो, मैरून एंड वाइट। प्राइसेस बहुत रिजनेबल हैं क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, डोंट यू वरी। कहाँ गया इसका ये वाला सेट, ये इधर है। ये जो भी दिखाया मैंने आपको इसके साथ मैरून वाला, इसमें फुल पर्ल भी है, फुल पर्ल भी है कुंदन के साथ, फुल पर्ल भी है इसमें।
मांग टीका काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, मांग टीका सेट जो हैं काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। सिस ये पर्ल शो करें प्लीज़, जो सामने है पर्ल वाला, सामने पर्ल वाला कौन सा बबल गम, मुझे पर्ल वाला कोई नज़र नहीं आ रहा यार। ये वाले की बात कर रही हो, ये वाले की बात कर रही हो, अच्छा ये वाला, ये मांग टीका के साथ है, ये लो ऐसे, और ये है इसके साथ, ये इसका मांग टीका, दिस वन, ये बहुत टॉप का आर्टिकल है, हमेशा ही चलने वाली चीज़ है ये। ये वो जैसे कहते हैं ना कि सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कभी भी, ये 15 pound का है आज का प्राइस है इसका, 15 pound, ये हमेशा चलने वाले हैं, यानी कि फॉर एवर ग्रीन वाली बात है, फॉर एवर ग्रीन, कभी भी जो पुराने नहीं होते ना, ये वो चीज़ है ना पुराने होने वाली, सदाबहार, 15 pound एयर, 15 pound, ये वाले एयरिंग्स है, बड़ी नथ यार, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था उसका, ख़त्म हो चुका हुआ है, थोड़ी बहुत पड़ी हुई है कोई, क्या मतलब चेंज हो जाएगा, चेंज का क्या मतलब है देर, समझ नहीं आई इस बात से मुझे, मेरे कमेंट नहीं जा रहे, कुछ दरमियान में हो जाते हैं ना पेंडेंट, अच्छा पेंडेंट, हाँ पेंडेंट बन जाएगा यार, इसको पेंडेंट बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, हाँ इसके अंदर हुक लगा के ना, ये जगह इसको उतार देंगे, इसके अंदर हुक लगा के तो पर्ल की माला डाल देंगे और ये पेंडेंट बन जाएगा, पेंडेंट बन जाएगा, ये हुक लग जाती है, हुक लगाने के बाद आप इसको आराम से वो पहन सकते हैं, ये वाला आपका करना है पेंडेंट बनाना है इसका, अभी बाहर ही रखूँगी इसलिए मैं इसको, क्योंकि इसका पेंडेंट बनेगा, ये लें, ये चेक करें जी एंकलेट, कल से मेरे से लोग मांग रहे हैं, मुझसे ना दिखाई नहीं जा रही, आज मैंने कहा मैं उठा ही लूँ एंकलेट वाला डब्बा, ये लें जी एंकलेट्स, एंकलेट्स देख लें जी, और जो मैं ये अब दिखा रही हूँ ना आपको, ये वाले आपको मिलेंगी 5 pound फॉर पेयर, बहुत मज़े की प्राइस में देने लगी हूँ, 5 pound फॉर द पेयर, बस देखते जाएं और जिसको जो चाहिए ना वो बुक करता जाए, ऐसे स्ट्रेट ही हैं ये, सिल्वर के 2 piece हो गए, ठीक है सिल्वर के 2 piece हो गए, सिल्वर के डिज़ाइन में ये आपको गोल्डन भी मिल जाएगी, 5 pound फॉर द पेयर, एंकलेट पे लगाने लगी हूँ सेल, क्योंकि मुझे इसको ख़त्म करना है स्टॉक और फिर इंशाल्लाह मैं न्यू मंगवाऊंगी, ये लें अगर कोई बच्चियों के लिए लेना चाहे तो, ये देखें छोटा साइज़ बच्चियों के लिए सिल्वर, और बच्चियों के लिए सिल्वर मल्टी, सिल्वर और सिल्वर मल्टी ये बच्चियों की हैं, 5 pound फॉर द पेयर, 5 pound फॉर द पेयर बच्चियों के लिए है, ये छोटा साइज़ है, आपको खुद ब खुद आइडिया हो रहा होगा, ये मेरे हाथ में बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, ये बच्चियों की स्पेशल है, छोटी बच्चियों के लिए उनके लिए, और ये बड़ी एडल्ट्स के लिए हैं, ये 5 pound सारी 5 pound फॉर द पेयर है, कोई भी आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, ये आखिरी आखिरी चीज़ें हैं मेरे पास, ये ख़त्म हो गई हैं, इसलिए ना मैं इसको फिनिश कर रही हूँ, फिनिश करके इंशाल्लाह फिर देखेंगे इसको न्यू, ये लें, ये इसके नीचे ना ये देखें इस तरह से हैंगिंग है, मल्टी गोल्डन विद हैंगिंग, सेम यही चीज़ है इस तरह से, और इसके नीचे हैंगिंग लगी हुई है,
मल्टी गोल्डन विद हैंगिंग 350 ऑल ओवर द यूके 48 आवर्स ट्रैक फॉर डिलीवरी अप टू 2 kg यू कैन एड इन योर पार्सल. ठीक है, इसके नीचे हैंगिंग लगी हुई है. 5 pound का पेयर मिलेगा आपको. ये आखिरी आखिरी पेयर्स हैं मेरे हाथ में जो है ना, ये आखिरी आखिरी पेयर्स हैं. ये लें, ये इस तरह से हैं, ये वाली ही हैं एंकलेट फिलहाल मेरे पास. जो इससे यानी कि अगली क्वालिटी है वो मैं दिखाती हूँ आपको कि वो कौन सी है मेरे पास, जो कुंदन में बिग साइज़ की हैं कुछ, या फिर जो मेरे पास इंडियन है वो भी दिखाती हूँ आपको. इंडियन जो हैं वो भी दिखाती हूँ, और जो कुंदन की बड़े साइज़ की हैं वो भी दिखा देती हूँ. ठीक है, ये लें जी, ये बिग साइज़ की हैं जो मेरे पास, इस तरह से पर्ल में बिग साइज़ वाले. लुक एट दिस वन, दीज आर द बिग साइज़. ये आज आपको 8 pound में मिल जाएंगी. ये जिसको भी चाहिए 8 pound में ले सकता है. ओनली इन 8 pound. एक आपको ये वाइट पर्ल्स में मिल जाएगी इस तरह से, फिर आपको एक ये वाली मिल जाएगी. ये भी आज 8 pound में ले लें. जिसको भी ये चाहिए ये भी आज 8 pound में ले सकते हैं. उसके बाद एक ये है मेरे पास, ये चेक कर लो, सिल्वर में, सिल्वर विद 1 stone लाइक दिस. ये चेक करें, इसके साथ एडजस्टेबल नीचे चेन्स हैं, आप जैसे चाहें इसको एडजस्ट करके पहन सकते हैं. ठीक है, ये भी एंकलेट है. 5 pound का पेयर ये आपको मिल जाएगा 5 pound में. अब है मेरे पास नेक्स्ट जो है, ये इंडियन साउथ इंडियन है बिल्कुल, जो गोल्ड की लगती हैं, ये वो वाली चीज़ है. लुक एट दिस वन, दिस इज़ गोल्ड. ये 15 pound का पेयर है ये वाला. ये बहुत हाई एंड क्वालिटी की हैं, इनके एंड पर वो आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे. नाउ दिस इज़ द सेकेंड डिज़ाइन. प्रॉपर स्टैम्प्ड हैं, ब्लैक नहीं होती, ख़राब नहीं होती. ये ले, जो डिज़ाइन कहेंगे ओपन भी करके दिखा दूंगी. ये थर्ड डिज़ाइन है, दिस वन इज़ द थर्ड डिज़ाइन एंड दिस वन इज़ द फोर्थ डिज़ाइन. ये मेरे पास कम से कम भी 15 डिज़ाइन आए थे जो कि सोल्ड आउट हैं. अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 डिज़ाइन पड़े हुए हैं. अगर किसी को चाहिए तो ये बहुत ही हाई एंड क्वालिटी की हैं. 1, 2, 3, 4 पड़ी हुई हैं. 15 pound का पेयर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं ये वाली. ये बिल्कुल ऐसे ही लगती हैं जैसे आपने गोल्ड की पहनी हुई हो. ये लें जी, ये चीज़ एक बहुत प्यारी सी है. इसे आप एज अ ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, एज एन एंकलेट भी पहन सकते हैं. ये आपको 3 pound में मिल जाएगी. एक ही चीज़ है, और इवन के ये मेरे पास लिए थे छोटी बच्चियों के लिए लोगों ने, ये ना हेड पीस भी बनाए, हेड पे लगाए उन्होंने फ्रंट पर. फिर कुछ लोगों ने ये देखे इसके साथ हुक इस तरह की है, उन्होंने क्या किया पीछे इसको एज अ यानी कि वो भी बना के पहनाया, क्या उसको बोलते हैं, नेकलेस बना के, क्योंकि बच्चियों की तो नेक बहुत पतली सी होती है ना. तो ये देखो इतना अच्छा खासा, इतनी बड़ी नेक, इतनी खूबसूरत पिक्चर्स बनाई उन्होंने बच्चियों की. ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, इतना एलिगेंट सा लगता है ना, बड़ी नाजुक सी और बड़ी प्यारी सी ना लुक आती है. ये देखो, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जैसे भी यूज़ करना चाहें, जैसे भी यूटिलाइज करना चाहें. इवन के मेरी बेटी ने भी ये पहना था, बहुत प्यारा लगा था. ये उसके पास भी है, मैंने उसे नेकलेस बना के पहनाया था एज अ नेकलेस, बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ. यह आपको जस्ट इन 3 pound में मिल जाएगा. अगर किसी को भी चाहिए 3 pound में ले लें. ये एक ही रह गया हुआ है मेरे पास, अब ये मेरे पास और नहीं है, सिर्फ एक ही रह गया हुआ है. ये लें जी, जिन्होंने एंकलेट देखनी थी ये मैंने उन्हें एंकलेट दिखा दी हैं. न्यू आने वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, वहाँ पर उन्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और डेली का डेली जो अपलोड होता है वो भी उनको वहां पर नजर आ जाएगा. नट कोई पूछ रहा था. है यहाँ पर नट कोई पूछ रहा था मेरे से.
चेन पास ही होती है मेरे, लेकिन ना मेरू दिखाना बड़ा मुश्किल है उनको। रुको एक मिनट, देखती हूँ बिल्कुल नजर आ जाए। चेन्स की तो मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप लोग उधर से देख लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये लें, ये वाली जिसको हम रस्सा चेन भी बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगी एक। लुक एट दिस वन, इसकी क्वालिटी चेक कर लो। ये है शॉर्ट वाली, इसमें मेरे ख्याल लॉन्ग भी है मेरे पास, इसमें लॉन्ग भी मिल जाएंगी शॉर्ट भी मिल जाएंगी। ये लें, चेक कर लो ज़रा, ये वाली मिल जाएंगी आपको। इसमें जो शॉर्ट है वो आपको 5 पाउंड की मिलती है, लॉन्ग है 8 पाउंड की मिलती है, ठीक है। दिस इज़ शॉर्ट, ये शॉर्ट है मेरे हाथ में 5 पाउंड की, और इसमें लॉन्ग भी है, लॉन्ग भी दिखाती हूँ। दोनों साथ ओपन करती हूँ, खुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी लॉन्ग है और कितनी शॉर्ट है। ये लो, इवन के जो लॉन्ग है ना वो मोटी भी ज़्यादा है। और ये देख ले, ये शॉर्ट इतनी है, लॉन्ग वाली इससे भी लॉन्ग है, ठीक है। ये शॉर्ट और लॉन्ग में आपको मिल जाएंगी, और चंद एक ही पड़ी हुई है। अब मेरे ख्याल शॉर्ट में तो 2 या 3 ही होंगी। ये भी वो आर्टिकल्स हैं जो कि हमेशा चलते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, और कभी भी आउट ऑफ वो कहते नहीं होते हैं, आउट ऑफ डिज़ाइन नहीं होते हैं। ये ले एक, ये वाली चीज़ डेली वेयर की है ये, और ये वाला मेरे पास आखिरी पीस है। दिस वन इज़ द लास्ट वन पीस, ये ले, दिस इज़ द लास्ट वन पीस। ये आपको 5 पाउंड में मिल जाएगा, ये वाला। आपको पता है ये तो गोल्ड का डिज़ाइन है, प्योर गोल्ड में बनता है, नेक लाइन होता है, ये आखिरी पीस है ये मेरे पास। हाय तुम बिन, ये ले जी, ये आपको मिल जाएगा 5 पाउंड में। ये एक आखिरी पड़ा हुआ है मेरे पास में, इसका सारा स्टॉक फिनिश है। इसी तरह की क्वालिटी में आपको, सॉरी डेयर तुम बिन, जब आप कोई रिप्लाई नहीं करती हैं, जब आपका कोई मैसेज नहीं आता है, तो मैं कैसे बुक कर दूँ आपके लिए। आपने लास्ट भी मेरे से बुक करवाए थे, वो अपने मुझे एक भी आंसर नहीं किया, कोई आपने पेमेंट नहीं की, तो मैं आपका कैसे बुक करूँ। मैंने आपको काफ़ी मैसेजेस किए, आपको पूछा, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, और आप ख़ुद भी माशाल्लाह से बहुत सेंसिबल हैं, समझदार हैं, आपको पता है कि कितना दूसरा बंदा ऐसे होता है। और उस दिन आपने वो 2 सेट किस तरह से कह कह कर बुक करवाए थे, सबसे लेकर। ये लें एक डिज़ाइन, ये भी है, लुक एट दिस वन, वन डिज़ाइन इज़ दिस, ये आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, और ये ख़राब नहीं होती हैं, ये आप जैसे मर्ज़ी इन्हें यूज़ करें। ये मेरे पास अभी कुछ पीसीज अवेलेबल हैं, अगर आप ये चाहें तो ले सकते हैं। ये 3-4 लोगों को मिल सकती है ये वाली ना। हाय राबिया, मैं आपका भूल गई थी, आज भी भेजना, इंशाल्लाह मैं सुबह आपका भेजती हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह सुबह आपको भेजती हूँ। भूली तो नहीं थी, लेकिन वो बस कुछ बिजी रूटीन है, इस वजह से मुझे याद नहीं रहा। बाहर निकाल के नहीं रखा ना, बस ये काम हुआ मेरे से, जैसे बाहर निकाल के रख दूँगी फिर नहीं भूलूँगी। ये लें जी, लीफ चेन, जो कि मेरा बहुत मोस्ट हिट आर्टिकल है, जो कि सबको बहुत पसंद है। हर मेरे पुराने कस्टमर के पास, सबके पास ये वाली चेन मौजूद है, हर बंदे ने ये चेन मेरी यूज़ की हुई है। और ये वो चीज़ है जो कि आपकी ना काली होती है ना ख़राब होती है, इवन कि आपको उतार कर पहननी फेंकनी पड़ती है।
ये उस क्वालिटी की चेन्स है, ठीक है, ये उस क्वालिटी की चेन्स है जिसे आपको फेंकना पड़ता है, यू कांट, यानी कि इसका कलर नहीं चेंज होता। आप ये नहीं कह सकते कि इसका कलर चेंज हो गया है, ख़राब हो गई है और हमने इसको फेंक दिया, नहीं। ज़रा उस दिन के मैसेजेस चेक करें डियर, जिस दिन आपने मेरे से बुक करवाया है, उस दिन के मैसेजेस चेक करें ऊपर जाके ना, ये तो आज की बात है ना, ज़रा ऊपर चेक करें जाकर, आपको समझ आ जाएगी। जहाँ आपने मुझे उस दिन स्क्रीनशॉट भेजा है, उसके बाद दो बुक सेट आपने बुक किए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट के साथ दोनों सेट भेजे, फिर मैंने आपको उनके साथ पेमेंट्स भेजी, देन मैंने नेक्स्ट आपको पूछा कि आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। ये वाले तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल हैं, दैट्स वाई आपको सारे ये आ जाते हैं। ये आपको मिलती है 5 पाउंड की, और इसके साथ आपको मिलता है ब्रेसलेट भी, अगर आपने ब्रेसलेट लेना है मैचिंग में तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी हैं, आपको फेंकनी पड़ती हैं उतार कर, ये नहीं ख़राब होती, ये नहीं काली होती। इवन जो इसके ब्रेसलेट हैं, लोगों ने वो एंकलेट बनाकर भी पहने हैं, वो मैंने 3 पाउंड का सेल किया है ब्रेसलेट, इसका ब्रेसलेट सेम टू सेम। कुछ लोगों ने इसको और जब आपने कोई चीज़ बुक करवाई है ना, तो आपको खुद को भी पता होता है कि आपने एक चीज़ बुक करवाई है, लाइफ में आकर बुक करवाई है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ को देखने के, उसकी पेमेंट करने के, तो देन ही, और फिर आपको पता है ना, देखें बास्केट में डालना इशू नहीं होता है, इशू होता है आपकी पेमेंट का। मेरे पास आज भी एक पार्सल पड़ा हुआ है जिसको मुझे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के बेस पर क्या हुआ है कि वो पार्सल बुक होता रहा है और मेरी अब हिम्मत नहीं है कि मैं उस पार्सल को ओपन करूं। मैं पहले आज उसका एक बॉक्स ओपन ही करने लगी थी। अब मैं पेमेंट के बिना कोई भी चीज़ नहीं रखती किसी की, एक पैनी की चीज़ भी नहीं रखती हूँ। मेरे साथ एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ये हो चुका हुआ है। अब मैं किसी की एक पैनी की चीज़ भी बुक नहीं करती हूँ। मैं तब तक नहीं ये रखती उस बंदे की बास्केट में वो चीज़, जब तक कि उसकी पेमेंट नहीं आ जाती। मैं ऐसे ही ट्रस्ट कर करके रख देती थी कि चलें ठीक है, हम पेमेंट कर देंगे, हम आपको आज कर देंगे, हम कल कर देंगे, आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें। मैं परेशान हो गई हूँ इसी वजह से ना। नहीं डेयर, ऐसे नहीं होता कि जब आप डिलीवरी करवाएंगी तब करेंगी पेमेंट, ऐसे कोई चीज़ बुक नहीं होती है। और उस दिन आप मुझे ग्रीन सेट खोलने भी नहीं दे रही थी कि नहीं खोलें, नहीं दिखाएं किसी को, क्योंकि ये बुक हो गया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ही था ना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि आप उसको देखती हैं, आप उसकी पेमेंट करती हैं, आप उसका रिस्पॉन्स करती। ये ले मैरू, ये मैं आपका रख रही हूँ एक, अगर आपको इसके साथ चाहिए ना वो ब्रेसलेट तो आप मुझे बता दीजिएगा, ब्रेसलेट भी मैं आपका इसके साथ बुक कर दूँगी। मेरा ख्याल अब ब्रेसलेट तो बहुत कम रह गए हैं, चेन्स ही कुछ पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये मैंने दर्जनों के हिसाब से मंगवाई थी, मैंने ऐसे है वो आपकी अमानत पड़ी हुई है डियर। नहीं डियर, ऐसे नहीं होता, मैं क्यों ना दूं भाई आपको, मैं क्यों ना दूं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। इवन के जिन लोगों ने मुझे यानी कि एडवांस पेमेंट की थी ना, कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं यार, मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोगों ने एडवांस पेमेंट करके तो उसके बाद अपने ऑर्डर कैंसिल करवा दिए कि हमने नहीं लेना, हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो फिर मैंने उन लोगों की पेमेंट वाली जो चीज़ें थी ना वो मैंने उनको भेज दी, और जो बाकी चीज़ों की पेमेंट थी वो फिर मैंने उन्हें नहीं दी। बिल्कुल नॉट सेम, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों ने डॉज किया है ना कि आपकी सोच है, जिनके ऊपर बंदा कहता है ना कि हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने डॉजी की है। 5 विंगर्स वाकई सेम नहीं होती, आपकी बात बिल्कुल हकीकत है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। ये पढ़ा है सोनी, ये मैं कर रही हूँ तुम्हारे लिए,
किसी और को चाहिए तो ये ले सकते हैं, दो पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने यार किया है ना। अब मैं आप लोगों के साथ, अब यहाँ पर अगर एक जो मेरा अब वाला पार्सल कैंसिल होके मेरे पास पड़ा है ना, उसका बिल और वो बॉक्सेस अगर आपके सामने ले आऊँ ना, तो आप लोग खुद कानों को हाथ लगा लेंगे। मेरा टाइम कोई इतना फालतू नहीं है कि मैं आके यहाँ बैठती हूँ रात को 10 बजे और मैं दिखाती हूँ करती हूँ। मेरे लिए ये इतना डिफिकल्ट होता है, सम टाइम मैं आज भी सो गई थी तकरीबन, क्योंकि बच्चों को सुलाते सुलाते सुबह आप 6-7 बजे के उठे हुए थक जाते हो, और उस थकावट के बाद आपको बच्चों को सुलाना होता है। उनको सुलाने, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे कोई बड़े बच्चे नहीं हैं कि मैं कहूँ कि वो मेरे बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं, खुद ब खुद यानी कि वो कर लेते हैं, नहीं। मुझे सबको स्पून फीडिंग करनी पड़ती है, इतने छोटे हैं अभी, सब मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं उनका टाइम, अपना टाइम देती हूँ आप लोगों को, तो एटलीस्ट थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर मैं ये लास्ट जो पार्सल अब मेरा कैंसिल हुआ है ना, ये ऐसे नहीं हुआ रमज़ान से शुरू हुआ, नहीं, ये कब से शुरू हुआ था ये काम, लास्ट अक्टूबर में हुआ था फर्स्ट टाइम जो कैंसिल हुआ था। वो मैंने यहाँ प्रॉपर शो किया था हर चीज़। क्या करते हैं लाइव में ना, झगड़ा करना शुरू कर देते थे कि आपने हमारा मैसेज नहीं देखा, आपने हमारा मैसेज नहीं देखा। मेरे पास एक एक चीज़ होती थी तो झगड़ा शुरू कर देते थे कि हमने पहले डन किया, हमने पहले डन किया। मेरे पास एक चीज़, जैसे अब मैं ये ब्रेसलेट दिखा रही हूँ, ये वाले दिखाएं, ये मेरे पास हैं अभी, अवेलेबल हैं, ठीक है, अभी भी दो पड़े हुए हैं। किसी को चाहिए तो ये दो भी मिल जाएंगे, एज अ एंकलेट भी पहन सकते हैं, एज अ ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। अब ये ब्रेसलेट है मेरे पास डायमंड कट का, ये एक ही है, अब इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तीन लोग क्लेम कर दें, तीन बंदे वन बाय वन क्लेम कर देंगे, ये लेने, ये हमें दे देंगे, हमें दे देंगे, हमें दे दें, ठीक है। अब मेरे पास जिसका मैसेज सबसे पहले आएगा मैं उसको दे दूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो सारे कस्टमर सेम है ना, मेरे लिए तो कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कस्टमर सब मेरे लिए तो एक जैसे हैं, जो मैसेज मुझे पहले क्लेम कर देगा मैं उसे दे दूंगी, क्योंकि ये एक है, एक बंदे को। अब बाकी जो दो रह गए बेचारे, वो तो हो गए ना, वो तो पीछे हो गए। 12 पाउंड का ये है ब्रेसलेट, वो तो पीछे रह गए। अब वो बाद में कहेंगे आपने हमें नहीं दिया, हमने मैसेज पहले किया था, हमारा मैसेज नहीं आपने देखा। इस तरह से झगड़ा शुरू कर देते थे लाइव में, बाकी कस्टमर्स भी डिस्टर्ब होते थे, मैं खुद डिस्टर्ब होती थी। और मज़े की बात है, 2 दिन बाद कह देते थे ये आप किसी और को दे दें। व्हाट रबिश यार, इट्स अ जोक, ये जोक है कोई, ये तो जोक नहीं है ना, ये गोल्ड प्लेटेड है, मैरू डेली वेयर नहीं है ये। नहीं, उसके पीसेस पड़े हुए हैं मेरे पास, ये देखें सामने रखा हुआ है, इनके पीसेस हैं मेरे पास, ये मैंने दो बुक कर दिए, मेरा ख्याल 2 या 3 और पड़े हुए हैं, इनके पीसेस हैं, ये मेरे ऑर्डर मेकिंग के हैं, तो ये मेरे ज़्यादा पीसेस हैं, ये मेरे ज़्यादा पीसेस हैं डियर। उस दिन के बाद से फिर मैंने एक पार्सल कैंसिल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और अब जो लास्ट वाला कैंसिल हुआ है ना, उसने तो कह लें कि मुझे हिला के रख दिया है उस पार्सल ने। मैं आज वही बॉक्स एक उनमें से ओपन करने वाली थी कि चले मैं आप लोगों को वो दिखाऊं, आज मैं वही बॉक्स ओपन करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ है कि मैं नहीं, मेरी हिम्मत हुई उस बॉक्स को ओपन करने की, मैंने फिर रख दिया और मैं दूसरी चीज़ों की तरफ आ गई, मेरा दिल ही नहीं किया उसको ओपन करने के लिए। अब आप ये देख लें, और अगर आप लोग भी वो बॉक्स देख लें ना, वो एक नहीं, वो 6 बॉक्सेस हैं, अगर आप भी वो देख लें तो आप भी परेशान हो जाएंगी। वही ना, इजी जॉब नहीं है बैठ के यहाँ काम करना। हाँ, ये किसी ने किया था यार क्लेम, मुझे ये बता दें, ये 2 रह गई हैं, अगर किसी और को चाहिए, 3 पाउंड ईच से है, अगर किसी को ये ब्रेसलेट चाहिए तो मुझे बता दें। 3 पाउंड ईच से है ये वाले, डबल लेयर में ब्रेसलेट है डबल चेन के साथ, अगर किसी को ये चाहिए, 2 हैं, चाहे एंकलेट पहन लें, चाहे आप इसको वो पहन लें, क्या उसको बोलते हैं, ब्रेसलेट पहन लें। बैंगल्स प्राइस, कौन सी बैंगल्स की प्राइस तुम बिन,
इस वाले की पूछ रही हो, ये एक ही कंगन है 15 pound का, 9 ratan, 2.6 ओपनेबल है ये वाला, 2.6 ओपनेबल है ये, 8 को भी आएगा 6 को भी आएगा, ठीक है, ओपनेबल है। अगर इसकी पूछ रही हैं आप, अगर किसी और की पूछ रही हैं तो फिर बता दें, क्योंकि बैंगल तो मेरे हाथ में यही है, यही दिखाई है, कोई और बैंगल देखनी है तो बता दो। और आपकी बात से भी मैं 100% एग्री करती हूँ कि सब लोग बराबर नहीं होते, सब लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत और बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स भी हैं मेरे साथ। ये एक ही है डेयर, ये एक एक ही आता है, ये पेयर में कम ही आते हैं साइजेस होते, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा है ये वाला। ये ले, ये काफी चौड़ा है, ये एक ही पहनने में अच्छा लगता है, दो तो वैसे भी अच्छे नहीं लगते पहनने में। ये वाले 2.6 ओपनेबल है, 15 pound का है, 6 और 8 दोनों को आ जाएगा। यार कुछ कस्टमर्स तो इतने अच्छे भी होते हैं ना आपके साथ, इतना रहने के रहते हैं, उनको तो आप पेमेंट के बिना भी चीज़ें भेज देते हो कि नहीं कोई इशू नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। ये मैं एक आपको दे रही हूँ, ठीक है, 1 आपको दे रही हूँ मेहरू, 3 pound वाला, ये वाला एक आपको दे रही हूँ। अब ये एक पड़ा है, एक किसी और को चाहिए तो बता दें, बस अब ये लास्ट है, उसके बाद ये ब्रेसलेट फिनिश है। चेन्स मिल जाएंगी सबको, चेन्स अभी हैं, ठीक है, चेन्स अभी हैं, ब्रेसलेट आपको नहीं मिलेंगे, चेन्स अभी पड़ी हुई हैं। ये कह रही हैं तुम्बिन, ये वाली चेन कह रही हैं, ये रखनी है आपकी, मुझे बता दो, मैं आपकी ये रख दूँ, अगर ये वाली चेन कह रही हैं। 2 set और ये साथ में ये वाली चेन, ठीक है, यही कह रही है ना आप, ले लें डेयर, ले लें एसएस, ले लें, ये लो। ये मेरी एक कस्टमर ऐसी है जिसने अभी बुक भी किया है, बुक करके उसने मुझे पेमेंट भी भेज दी है। कुछ लोग ये भी होते हैं, अपन वही ना, आपने जो बात की ना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, ये बबल गम के काम है, इसने चीज बाद में बुक करनी होती है, इसने पेमेंट पहले मुझे करनी होती है। इस बंदी को तो इतनी कोई टेंशन होती है ना पेमेंट की, बल्कि इसका अभी तक मेरे पास इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, ये यहीं रहती है, ये घर आके ले जाती है मेरे से सामान, इसका ये है, तो इसने चीज बाद में लेनी है। तुम्हारा बॉक्स कहाँ से खुलेगा डेयर, तुम्हारा बॉक्स तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, तुम्हारी चीज तो बाद में बुक होती, पहले तुम पेमेंट कर भेज देती हो। लो अभी मैं ना ये तुम्हारे बॉक्स में ही डालने लगी थी। नहीं, इसको इतनी कोई टेंशन होती है ना, ये बस कहेगी कि मैंने चीज ले लिया, अब मैं पेमेंट कर दूं। मैं इसको इतनी दफा बल्कि कहा भी तुमने आके लेके जाना होता है, मुझे पता है, लेकिन नहीं, इसने फौरन पेमेंट, अभी इसने ये एक सेट बुक किया 15 pound का, हालांकि अभी मैंने उसको वो बनाना है पेंडेंट, सिर्फ और सिर्फ अभी ये है और ये इसको पेंडेंट बना के दूंगी, ये वाला। तो साथ ही पेमेंट भी भेज देती है ये, इसका ये काम होता है बबल गम का। तुम्हारा बॉक्स कहाँ से खुलेगा डेयर, हाय अल्लाह, वो जो बॉक्स है ना इतना बड़ा, उसको खोलने को दिल नहीं कर रहा, कसम से मेरा दिमाग घूम रहा है उसको देख देख के, मेरा दिल नहीं चाह रहा उसको देखने को भी कि मैं उसको कैसे ओपन करूं, कसम से यार, इतना मेरा सर ना घूम है उसको देख के। कौन सी बैंगल्स बताओ, कौन सी बैंगल्स देखनी है? नहीं, इन्होंने पहले भी मेरे से बुक किया हुआ है, ये बात नहीं है, तुम भी ने पहले बुक किया हुआ है, इसने पेमेंट करके मेरे पास इसका भी सामान पड़ा हुआ है, ये नहीं है कि ये ऐसे हैं, लेकिन लास्ट टाइम हो सकता है कहीं बिजी हो, ये भी मैं नहीं कह सकती, समटाइम इंसान बिजी हो जाता है, तो ये भी बात नहीं है। पहले इसके 2-3 आर्टिकल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वो बुकड हैं और वो पेड भी हैं, वो सिंगल वाले, सिंगल वाले कौन से हैं,
सिंगल वाले बताना जरा कौन से की बात कर रही हो, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा। या तो थोड़ा सा हिंट दो या मुझे उसकी कोई पिक्चर भेजो, पिक्चर भेज दो फिर मुझे पता चल जाएगा अगर पिक्चर है, फिर मैं वो दिखा दूं। ऐसे कैसे बताऊं, ऐसे कैसे पता चलेगा। ये वाले स्टड देख लो इतने, ठीक है, ये स्टड दिखा रही हूँ 12 पाउंड के हैं, टील कलर में, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे से, गोल्ड प्लेटेड हैं, ऑक्सीडाइज्ड हैं और बहुत कमाल के। ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड पीसीज हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी नो डाउट ऑसम है, ऑसम। टील कलर है और कलर भी इतना कोई खूबसूरत है ना इसका, इंतहाई खूबसूरत है। उस दिन मैंने जितने भी इस क्वालिटी के दिखाए थे उसमें से 50% जा चुके हुए हैं, सब सोल्ड हैं, उनके पास भी बल्कि मैं भेज चुकी हुई हूँ। ये बहुत कमाल के पीसीज हैं और आगे समर के लिए तो बहुत अच्छे हैं। एक इसका ये वाला पीस, ये मेरे मोस्ट यानी कि कह लेना फेवरेट आर्टिकल्स हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं पर्सनली, क्योंकि ये अच्छे खासे जैसे बोलते हैं ना सॉलिड किस्म के बने हुए हैं। ये 12 पाउंड ईच से हैं और ये बहुत अच्छे हैं। नहीं डियर, वो आपको पता है ना, आपने पहले भी मेरे पास अपने 2 आर्टिकल्स रखवाए हुए हैं ना, वो पेड हैं आपके, ठीक है ना। बस यही है कि अब मैं ऐसे विदाउट पेमेंट ना रखती नहीं हूँ कोई भी चीज़। मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस बहुत बैड हुए हैं मैं, और एक दो नहीं हुए हैं, इकट्ठे 3 और 4 हुए हैं 3 और 4 हुए हैं, और वो भी कोई छोटे छोटे पार्सल नहीं, बहुत बड़े बड़े पार्सल। 12 पाउंड ये वाला भी बहुत कमाल का आर्टिकल है, ये वाला मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना यार बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आप सिंगल वाले जो कंगन सिंगल हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है आप कौन सा की बात कर रही हैं, क्योंकि मुझे इस तरह बिल्कुल नहीं आइडिया हो रहा। ये लो, ये वाले चेक करो, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। 10 पाउंड के मिलेंगे ये वाले आपको ग्रीन कलर में 10 पाउंड के हैं, ये भी क्लिप लॉक हैं, बैक से ऑक्सीडाइज्ड हैं, और इसके साथ अगर आप रिंग मैच करके लेना चाहें तो आपको रिंग भी मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो ग्रैब इन, नहीं देर ख़त्म है, बस यही कलर है ग्रीन में, रिंग भी मिल जाएगी आपको और आपको स्टड्स भी मिल जाएंगे। 10 पाउंड के स्टड्स मिल जाएंगे, 5 पाउंड की रिंग मिल जाएगी, ये आपकी मर्जी है आपने इसमें से क्या चीज़ बाय करनी है। कुछ लोग रिंग और स्टड इकट्ठे बाय करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो रिंग पसंद करते हैं, कुछ स्टड पसंद करते हैं। ये आपको मिल जाएगी 5 पाउंड की रिंग और 10 पाउंड के स्टड्स, ठीक है। अगर ये किसी को चाहिए हुए तो बता दीजिएगा। बटरफ्लाई वाले स्टड्स, नहीं डियर मैं रीस्टोर ना ये जो ये वाले आर्टिकल्स होते हैं बहुत कम करती हूँ। हाँ जो मेरे गोल्ड वाले आर्टिकल्स हैं वो तो मेरे बहुत ज़्यादा रीस्टोर होते हैं ना, गोल्ड वाले। बटरफ्लाई में हैं ये वाले ब्लैक कलर में और मल्टी कलर में, आज आपको 12 पाउंड से मिल रहे हैं ये वाले। ऑक्सीडाइज्ड के 2 कलर मेरे पास अवेलेबल हैं, बहुत प्यारे से स्टड्स हैं ये वाले, बिग साइज़ के हैं और मज़ेदार किस्म के हैं, ठीक है। 12 पाउंड से आपको ये मिल रहे हैं। जो मेरा गोल्ड के हैं ना वो वाले तो मेरे खैर काम ही अब मैं ज़्यादा उन पर ही करने वाली हूँ इंशाल्लाह, बस ये वाला काम अब ख़त्म करूँगी, ज़्यादा गोल्ड लुक वाला काम करूँगी मैं। एक तो ये कि वो हाई क्वालिटी के हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, नियर टू गोल्ड हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और एक ये कि वो आप ऑर्डर्स पे बनवा सकते हैं, ऑर्डर दे दें आप उनका, जितना मर्जी ऑर्डर दे दें आपके ऑर्डर पे वो चीज़ें बन के आ जाती हैं, उनका ये फ़ायदा है। चले मैं देख लूँगी, अगर हुए तो मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। ये ले, लुक एट दिस वन, ये गोल्ड में बहुत खूबसूरत ओपनेबल आर्टिकल, इसमें आप जो कलर कहेंगी जो साइज़ कहेंगी बन जाएगा, जो भी कलर कहेंगे ना आप उसमें उस कलर में बन जाएंगे और उस साइज़ में बन जाएंगे। इस पे आप मैं हर किस्म के कलर का ऑर्डर ले सकती हूँ, क्योंकि अब ये हमारी अपनी मेकिंग स्टार्ट हो गई हुई है। ये मेरी अपनी मेकिंग के नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिए थे किसी और से। जो मेरी अपनी मेकिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो टोटल डिफरेंट क्वालिटी के हैं। अभी दोनों चीज़ें आपके सामने, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा तो दोनों में डिफरेंस, ठीक है।
ये आज आपको ये वाले जो हैं ये मिल जाएंगे 28 pound के, ठीक है। ओपनेबल है 2.6, ये सिल्वर में है मेरे पास, ये देख लें, ये सिल्वर में है और ये गोल्डन में है। ये मेरा अपना पीस है, बहुत छोटा है, ये देख लें, मेरी अपनी कलाई के लिए। और ये वाला है 2.6 ओपनेबल, ये आपको लास्ट पीस है, मेरे पुराने स्टॉक का है ये। अब ये हमारी अपनी मेकिंग स्टार्ट हुई है, तो अब आप इसमें जो साइज़ कहेंगी वो भी बन जाएगा, जो कलर कहेंगी, ये हर कलर में बनते हैं, ब्लैक में, ग्रीन में, ब्लू में, मल्टी में, जो कलर कहेंगे उस कलर में ये ऑर्डर पर मेक हो जाता है, ठीक है। ये आपको 28 का मिलता है, ये वाला आपको मिलता है 38 का, दिस वन 38 pound, और ये वाला आपको मिलता है 28 का। ये लास्ट वन है, जो भी इसको ग्रैब कर लेगा ये उसकी किस्मत है, ये वाला अब दोबारा नहीं आएंगे। हाँ, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। थी कंगन, आप बोल रही थी एक ही है, प्लीज शो मी। नौ रतन वाला मल्टी वाला, नौ रतन वाला, मल्टी नौ रतन 15 pound वाला, इसकी बात कर रही हैं आप शायद, ये वाले की। ओपनेबल है ये वाला मल्टी में, बिग साइज का, और ये लास्ट वन ही है मेरे पास, दिस इज लास्ट वन। चेक कर लें इसको, दिस इज लास्ट वन 15 pound का। ये लें जी, जो मेरे पास एक एक दो दो आर्टिकल बचे हुए हैं ना, मैं आपको वही बस अब दिखाने लगी हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ऑफ़ करूँगी, ऑफ़ करने के बाद कल आएंगे। हाँ हाँ, उसकी वो लास्ट वन है वो इतने का ही है डेयर, वो लास्ट वन है वो इतने का ही है, क्योंकि वो फिर फिनिश हो जाएगा, फिर न्यू क्वालिटी आएगी, अब आगे जितने भी वो सब ऑर्डर मेकिंग पे आएंगे, ठीक है ना, वो सब अब ऑर्डर मेकिंग पे आएंगे 38 वाले, जिस भी साइज़ में कहेंगी वो बनेंगे, क्योंकि अब मेरे पास उसका स्टॉक वैसे ही फिनिश है, वो एक आखिरी पड़ा हुआ है, नेक्स्ट जो है ना वो सब बॉर्डर पे बनेगा, ये चेक कर लें। इसीलिए उस पर मैंने, जैसे ये वाली बैंगल्स हैं, ये वाली ऑर्डर मेकिंग की नहीं है, ये मेरी सिंपल बैंगल्स हैं, इस वजह से मैं इनको यानी कि ख़त्म कर रही हूँ। सिल्वर सेट कौन सा पड़ा हुआ है सामने तो बताइएगा, अगर एडी का पूछ रही हूँ उसका तो बता दें, मैं दिखा देती हूँ। ये ले, ये आपको मिल रही हैं 42 pound की, 2.6 का साइज़ है, आखिरी पीस है, 2.6 का साइज़ है, 42 pound की 8 bangles, गोल्ड लुक की बैंगल्स हैं, और ये प्रॉपर गोल्ड प्लेटेड है, 8 bangles का सेट है 42 pound का, दिस वन। ये मेरा ओल्ड स्टॉक है इसलिए ये 42 का है, न्यू वाला तो 6 bangles के सेट आ रहे हैं और वो भी महंगे आ रहे हैं, दिस इज़ द ओल्ड वन स्टॉक, और आखिरी सेट है मेरे पास 2.6 का, एक ही डिज़ाइन है और एक ही ये वाला सेट है। इसका दूसरा डिज़ाइन चेक कर लें, वो भी सेम इसी में ही है, उसका साइज़ है 2.8, इसका साइज़ है 2.8, इस डिज़ाइन में ये भी आखिरी सेट है 2.8 का, दिस इज लास्ट वन सेट इन 2.8, 42 pound का है ये वाला। ये लें, ये मेरे पास है 2.10 का, ये मेरे पास दो सेट हैं 2.10 ही हैं, दोनों का साइज 2.10 है, ये 2.10 के हैं, दो सेट हैं और दोनों ही 2.10 के हैं, ये आपको मिलेगा 42 का, 8 bangles का सेट है और 42 का मिलेगा, दो सेट हैं, दोनों ही 2.10 के हैं इस डिज़ाइन में,
तीन डिज़ाइन दिखाए हैं बारीक बैंगल्स में, एक 2.6 का साइज, एक 2.8 का साइज और एक 2.10 का साइज। नाउ द सिक्स बैंगल सेट, दिस इज इन 38 pounds। लास्ट वन सेट है ये वाला 2.6 का 38 pounds में। आखिरी डिज़ाइन, आखिरी सेट, आखिरी ये वो है लास्ट वन, ये आपको 38 का मिलता है सिक्स बैंगल्स का सेट, 2.6 में है ये वाला, ओनली लास्ट वन है 2.6 में। और ये वाले भी 2.6 में हैं, लेकिन ये दो सेट हैं 2.6 में, 38 का ये भी मिल जाएगा आपको, 38 pounds फॉर दीज सेट। ये भी टू सेट पड़े हुए हैं मेरे पास, प्योर ये गोल्ड की डिज़ाइनिंग है, 24 के गोल्ड वाले हैं, लेकिन ये सिंगल उसमें है, सिंगल पॉलिश में, जो न्यू आए हैं वो डबल पॉलिश में हैं, उनकी क्वालिटी इनसे भी ज़्यादा अच्छी है। ये नहीं है कि इनकी अच्छी नहीं है, इनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी डबल कोटिंग के साथ है, दैट्स वाई द प्राइस डिफरेंस और डिज़ाइनिंग डिफरेंस। ये आपको डिज़ाइन बनवाना मुश्किल होते हैं, जबकि वो वाले डिज़ाइन आप जब चाहें, जैसे चाहें, जितने चाहें बनवा सकते हैं। ये मेरे पास दो सेट पड़े हुए हैं, ओल्ड स्टॉक के हैं, दैट्स वाई आई एम गिविंग इन 38 pounds। द न्यू स्टॉक इज टोटली चेंज प्राइस, तो जिन्होंने भी इससे फ़ायदा उठाना है वो उठा सकते हैं। आगे समर आ रहा है, बहुत लोग हॉलीडेज़ पर जा रहे हैं और मेरे ये सेट हॉलीडेज़ में बहुत सारे लोग लेकर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है और बाकी कंट्रीज़ में भी गोल्ड को कैरी करना, तो मोस्टली लोग ये चीज़ लेके जाते हैं कि चलें ये सही रह जाती है। मेरा ख़्याल है अब हम चलते हैं, 11:30 हो रहे हैं, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं कल। मैंने अभी दिखाई हैं 2.10 की बैंगल्स भी दिखाई हैं, जैस अभी दिखाई हैं, बारीक में भी दिखाई हैं, और अगर आपको बिग सेट चाहिए 2.10 वाले दूसरे सिक्स बैंगल्स वाले तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब सारी जो हैं बारीक बैंगल्स अभी मैंने दिखाई हैं 2.10 का सेट, गोल्ड लुक में आप कह रही हैं, नहीं सॉरी की बात नहीं है डेयर, यूट्यूब पे आप लोग ना ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा ये अपलोड हो जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ देख ले। ये 2.10 में 42 pounds की हैं, 8 बैंगल्स का सेट है, प्योर गोल्ड लुक की। कौन सा एडी वाला, इन वालों की बात करें, ये 28 pounds का है, दिस वन रिवॉल्विंग झुमकी के साथ ओवरऑल वर्क है इसके ऊपर, और ये इसकी नेक पट्टी है। इसमें कलर्स हैं, सफायर ब्लू भी है, इसमें रोज़ गोल्ड भी है जी, 28 pounds का है ये वाला, इसमें सफायर ब्लू भी है, इसमें फुल रोज़ गोल्ड भी है, फुल सिल्वर भी है, ठीक है, और आपका रूबी और ग्रीन वो बुक्ड है, ठीक है। दिस वन ये मिल जाएगा आपको, एडी हैवी होता है डियर, एडी भी कभी हैवी हुआ है? और ये वाला, ये भी आपको 28 का मिल जाएगा, ये लास्ट वन है ये वाला भी, दिस वन, ये इसके एयरिंग्स हैं और ये इसकी पट्टी है, लास्ट वन है ये भी, और ये आपको मिल जाएगा 28 का। मुझे पता, ये आपको 22 का मिलेगा, ये भी लास्ट वन सेट है, इसमें भी और कोई कलर नहीं है, दैट्स वाई दिस इज़ ऑन 22, ठीक है, ये आपको 22 का मिल जाएगा स्टड्स के साथ। और ये वाला रोज़ गोल्ड वाला, ये इस पट्टी के साथ आपको मिल जाएगा 28 pounds का, और इसकी झुमकी थोड़ी डिफरेंट है, दिस वन दिस इज़ द झुमका, ये वाला झुमका है इसका, ये भी रिवॉल्विंग में है, ऑल ओवर वर्क है, दिस वन आल्सो इन ऑल ओवर वर्क, चेक कर लो, ये इसका पट्टी है और ये इसका झुमका है, ये आपको मिल जाएगा 28 का। बाकी जो ये वाले हैं, इनके साथ मैंने ये वाला एक लगाया था, ये देखो, इस पट्टी के साथ मैंने ये वाले मैचिंग किए थे,
एयरिंग्स, अगर कोई इस तरह से ये एयरिंग्स मैच करके लेना चाहे तो ये भी ले सकता है, लाइक दिस। इसके साथ मैंने ये खुद से मैच किए थे, परफेक्ट मैचिंग हो रही है, परफेक्ट परफेक्ट हर तरह से। ये आपको 22 का मिल जाता है, ये पूरा सेट आपको 22 का मिल जाएगा, ये वाला एयरिंग्स के साथ। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं कल दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।